ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, दस दस को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। ये तो होना ही था, शुरू हो गया अब असली खेला, अब यही होगा। ये क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी और नीचे गिरेंगे ये नेता। अब विकास की बातें गई तेल लेने, अब जाति का जंग शुरू होगा, व्यक्तिगत वार होंगे, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और इसके सेनापति होंगे नेताजी। कुछ इधर के तो कुछ उधर के, सब एक ही राग अलापेंगे। विकास की बातें गई अब तेल लेने, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, गाली गलौज सब कुछ होगा। होगा क्या, ये तो शुरू भी हो गया। लालू जी खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं और बात इतनी निचले असर का करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें करते हैं जिसे सोचकर ही आम आदमी शर्म से लाल हो जाए। तेजस्वी यादव को आपने सुना, जाति से बाहर जैसे कुछ सोचते ही नहीं। और प्रधानमंत्री को भी सुना आपने, इनको तो मानो मसाला मिल गया। एनडीए के लोग भी अब विकास की बातें नहीं बल्कि खुद को मोदी का परिवार बताने में जुट गए। हद हो गई, आखिर हो क्या रहा है। ये तो अपनी राजनीति रोटी सेक लेंगे, लेकिन जनता को क्या मिलेगा इससे। बाबा जी का ठुल्लू, शर्म करो नेताजी, कुछ जनता की भी बातें कर लो। पटना में महागठबंधन की रैली हुई, तेजस्वी यादव ने पहली बार खुद को साबित किया। अपने पिता लालू का बगैर सहयोग लिए उन्होंने भीड़ जुटा दिया, लेकिन बातें ऐसी कर गए जिससे सब गुड़ का गोबर हो गया। विकास के वादे करते करते निचले स्तर की बात बोल गए, वो अपर कास्ट को कोसने लगे। हालांकि वो ये नहीं बता सके कि आखिर उनकी पार्टी अपर कास्ट को टिकट ही क्यों देती है। वो ये भी नहीं बता सके कि लालू के सामाजिक न्याय वाले राज्य में गुंडई कैसे शुरू हो गई थी। लालू यादव जब बोलने उठे तो वो घटिया बातें करने लगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसी बातें बोलने लगे जो किसी भी स्तर पर उचित नहीं कही जा सकती। उधर पीएम मोदी ने लालू की बातों को लपक लिया और अब उसी को मुद्दा बना दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जब सभी नेताओं का लक्ष्य विकास करना है तो इतनी घटिया बातें क्यों हो रही है। क्यों नहीं बिहार के पिछड़ेपन को सभी मुद्दा बनाते हैं। पिछले एक साल की मुद्दों को ही उठाकर देखें तो बिहार के लोगों को कई राज्यों की सरकारों ने जलील करने का काम किया। कोरोना काल को कोई क्या भूल सकता है, जब देश भर से बिहारी समाज पैदल ही अपने घरों को लौट रहे थे। लेकिन नेताओं को इससे क्या फर्क पड़ता है, पिसने वाले पिसते रहेंगे और कुर्सी के लिए नेताजी जनता के भावनाओं का कत्ल करते रहेंगे। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।